Assalamualaikum students, welcome to Jajja Academy. आज का हमारा टॉपिक है डेटा बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा किसे कहते हैं और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं. उनमें शामिल होंगी डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स. तो आइए हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं. डेटा हमारे पास इनपुट की फॉर्म में होता है, यानी अपनी इनपुट को हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेटा है. उस इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारी आउटपुट है. डेटा हमेशा वॉल्यूम में लार्ज होता है और इंफॉर्मेशन स्मॉल इन वॉल्यूम होती है. डेटा इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन डिपेंड कर रही होती है डेटा पर. इन सारे डिफरेंसेस को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. यहां पर एग्जांपल देखें, एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहां पर रिकॉर्ड किया गया है. दीज आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट स्टूडेंट, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है. ऊपर हमने बात की कि डेटा हमारी इनपुट होती है, यानी इनपुट की फॉर्म में डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जाता है. उस डेटा पर प्रोसेसिंग यूनिट कुछ प्रोसेसिंग करता है. इस एग्जांपल में परसेंटेज कैलकुलेट की गई है, यानी इस एग्जांपल में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ये है कि गिवन मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है. अब इस प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे रिजल्ट्स जनरेट होंगे, जो कि यहां पर 76.67% लिखी गई है, ये है अब हमारे पास आउटपुट. इसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं और इसे हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें इस डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद हासिल हुई है. इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा है. डेटा हमारा जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक कलेक्शन थी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जो कि स्टूडेंट की एंटिटी से हमने कलेक्ट किया था. लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रही है इस डेटा पर. अगर मैं इस डेटा में मार्क्स में कुछ चेंजेस लाती हूं तो डेफिनेटली यहां पर आउटपुट में भी चेंज आएगा. इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन डेटा पर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन डेटा किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये इंडिपेंडेंट होता है. तो ये था डिफरेंस डेटा और इंफॉर्मेशन में, या डेटा और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा में. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो डेटा पर परफॉर्म की जा सकती हैं. उसमें नंबर वन है डेटा कैप्चरिंग. डेटा कैप्चरिंग, कैप्चर मींस रिकॉर्ड करना डेटा को या डेटा को कलेक्ट करना. और डेटा की कलेक्शन हम इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, उससे हम डेटा को इनपुट करते हैं. नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन कहते हैं डेटा पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जिसमें है क्लासिफाइंग. एक जैसे डेटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी उसे यानी एक जैसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स बना लेते हैं. कैलकुलेशंस में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन वगैरह. अगला है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग कहते हैं डेटा की अरेंजमेंट को, यानी डेटा को अरेंज करना, और वो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है. अब इन दोनों में फर्क देखें. असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी 1, 2, 3 से हम स्टार्ट करेंगे और 9 की तरफ, यानी बड़े नंबर की तरफ मूव करेंगे. जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर इसके उलट होगा, बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे नंबर की तरफ जाएंगे. अल्फाबेटिकल डाटा होगा तो हम एबीसी से स्टार्ट करेंगे और एंड की तरफ मूव करेंगे. अल्फाबेटिकल डाटा में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना होगा तो हम एंडिंग लेटर से स्टार्ट करेंगे, यानी बड़े लेटर से जी से वाई, वाई से एक्स, और इस तरह हम मूव करेंगे छोटे लेटर की तरफ. अगला है समराइजिंग डेटा. डेटा की कलेक्शन करते वक्त हम, हो सकता है कि हमने मल्टीपल एंट्रीज कर ली हो एक ही डेटा की, तो हम समराइज करने के प्रोसेस में डेटा को रिड्यूस करते हैं.
उसको ज्यादा कंसाइज करते हैं। कंसाइज कैसे कर सकते हैं, जो रिपीटिंग वैल्यूज होंगी उन्हें हम रिमूव करेंगे, जो अननेसेसरी डाटा हमारे पास अगर कलेक्ट हो गया है तो हम उसे भी कम कर सकते हैं। इस तरह से हम लार्ज डाटा को रिड्यूस करते हैं यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ समराइजिंग। लास्ट एक्टिविटी है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, यानी हमने जो हमें जो आउटपुट रिजल्ट्स मिले थे अब हमने उन्हें मैनेज किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में अपने डाटा को यूज कर सकें। तो हम स्टोर कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क पर। नेक्स्ट इज रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब है कि पहले से स्टोर किए हुए डाटा को एक्सेस करना, यानी उसे खोलना और अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हार्ड डिस्क पे पड़ी थी स्टूडेंट्स की वो फाइल जिसमें उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उनकी परसेंटेज वगैरह लिखी थी। अब मुझे उसे रिट्रीव करके रिजल्ट कार्ड्स तैयार करने हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। जो मैंने यहां पर रिजल्ट कार्ड्स बनाए थे उन्हें स्टूडेंट्स से मैं शेयर कर सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ। लास्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है डाटा को कॉपी करना या उसे डुप्लीकेट करना। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमने डाटा को डिफरेंट लोकेशंस पर रखना हो तो हम रिप्रोडक्शन करते हैं।